गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स एंड लैंडस्केपिंग आई एम गोइंग टू टीच यू यूनिट फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स एंड लैंडस्केपिंग। एज यू नो, अलंकृत फसलों जो अलंकृत बागवानी, ये उद्यान विज्ञान की देन है। अलंकृत बागवानी उद्यान विज्ञान की वह कलात्मक एवं आध्यात्मिक शाखा है जिसमें हम सभी प्रकार के सजावटी पौधों का अध्ययन करते हैं। द हॉर्टिकल्चर द ऑर्नामेंटल गार्डन इज डिवेटेड फ्रॉम द हॉर्टिकल्चर इन विच वी स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ डेकोरेटिव प्लांट्स। जो भी अट्रैक्टिव प्लांट्स हैं जिनका ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में यूज होता है शोभा बढ़ाने के लिए लैंड की, उनको हम ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के तहत स्टडी करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज के बस्त एवं कुंठाओं से ग्रसित जीवन में अलंकृत उद्यानों का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए कहा जाता है कि फूल हमारे सामान्य जीवन का अभिन्न अंग है। फूलों का विकास हमारी संस्कृति के साथ साथ हुआ। शुद्ध वातावरण बनाने में ये अलंकृत उद्यान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि नगरों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अलंकृत उद्यान, शोभाकार उद्यानों का लगाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं और उनका कार्यान्वयन भी किया जा रहा है। मुद्रा स्फीति में फूलों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि फूलों के निर्यात से विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जाती है। यह कहा जाता है कि भारतीय नागरिक का जन्म फूलों में होता है और वह फूलों में ही एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है। मोहम्मद साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि हमारे पास एक रोटी है तो आधी रोटी बेचकर हमें फूल खरीदने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रोटी शरीर के विकास के लिए अनिवार्य है, उसी तरह फूल भी मानसिक शांति, थकावट और चिंता को दूर करने के लिए अनिवार्य है। अलंकृत बच्चों झाड़ियों, लताओं आदि को विभिन्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिए उगाया जाता है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। नंबर एक, सजावट के लिए, फॉर ब्यूटिफिकेशन। शुद्ध वातावरण होने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, वह जनसाधारण की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होता है। अगर वातावरण शुद्ध रहेगा, निश्चित रूप से आप में इम्यूनिटी कायम रहेगी, प्रतिरोधक क्षमता और अच्छा, आप अच्छे से कार्य करोगे। अलंकृत उद्यान वातावरण की सुंदरता में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे देश में लाल बाग गार्डन, बंगलौर, मुगल गार्डन, नई दिल्ली, वृंदावन गार्डन, मैसूर राष्ट्रीय उद्यान, ऊटी, जाकिर गुलाब उद्यान, चंडीगढ़ आदि प्रमुख हैं जो वातावरण को सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। फूल वाले रंग अन्य सजावटी पौधों को व्यक्तिगत बंगलों, भवनों, कोठियों, कार्यालयों के अलावा सुंदर बनाया जा सकता है। मौसमी फूल जो एनुअल प्लांट्स हैं, द प्लांट्स विच कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन सीजन आर वन ईयर, दैट्स आर नोन एज एनुअल प्लांट्स। मौसमी फूल उन्हें कहते हैं और इन्हें हम गमले में उगा करके अपने वातावरण को सुंदर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सजावटी पौधे हैं, जैसे मनी प्लांट है, क्रोटन है, ऑर्नामेंटल मैंगो, फिलोडेंडान है, डिफिनबेकिया है, फाइकस इलास्टिका है, मोन्स्टेरा है, डिलिशियोसा है। फर्न को भी बरामदों वगैरह में छाए वाले स्थान पर इंडोर सजाया जा सकता है। द प्लांट्स विच कीप इन साइड द होम आर नोन एज इंडोर प्लांट, और इनसे बहुत अच्छा आप सजावट कर सकते हैं छायादार जगहों को। बंगलों के आगे पीछे चारों ओर अन्य पुष्पीय पौधे लगाए जा सकते हैं, जैसे गुलाब, चमेली, केली, गुलदावरी, गेला, फ्लॉक्स आदि। अस्पतालों में अलंकृत बच्चों का झाड़ियों, लताओं और मौसमी फूल उगाकर वातावरण की सौंदर्यता बढ़ाई जा सकती है, जिससे रोगियों को मानसिक शांति एवं सुख का अनुभव होगा। नगरों और शहरों में बड़े बड़े क्षेत्रों में उद्यान बनाए जाते हैं, जिन्हें साधारण रूप से पार्कों की संज्ञा दी जाती है। और पार्क में आप लोग जानते हैं कि लोग मनोरंजन के लिए साधन घूमने जाते हैं। दूसरा, इसका जो महत्व है अलंकृत उद्यान का, मनोरंजन के दृष्टिकोण से फॉर रिक्रिएशनल वैल्यू। मनोरंजन के लिए आप जानते हैं कि विस्तार होते रहता है। मनोरंजन के लिए, जैसे कि आप जानते हैं, आधुनिक युग में मानव अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सारे दिन विभिन्न कार्यों में लगा रहता है। जब यह कार्य से निवृत्त होकर घर लौटता है तो उसे थकावट और अन्य मानसिक परेशानियां घेरी रहती हैं। ऐसी विचित्र स्थिति में वह निश्चित रूप से कोई मनोरंजन का साधन चाहता है। भारत में मनोरंजन के साधन अत्यंत महंगे होते जा रहे हैं। घर पर ही मनोरंजन का साधन आपकी गृह पुष्प वाटिका हो सकती है। यह सस्ता और अच्छा उपाय है।
घर के आगे पीछे जहाँ पर भी भूमि उपलब्ध हो उसमें आप अलंकृत पौधे उगा करके अपना रिक्रिएशनल जो नीड है उसकी पूर्ति कर सकते हैं आराम से। इसके अलावा मकान की छत के ऊपर भी पौधे लगाए जा सकते हैं, उन पौधों की देखभाल करने में निश्चित ही सुख और शांति मिलेगी। ऐसा करना भी संभव नहीं हो तो समीप के उद्यान या सार्वजनिक पार्कों में जाना चाहिए, जहाँ के रंग बिरंग फूल का मनमोहक दशा देख करके मानसिक सुख तथा शांति का आपको अनुभव होगा। नेक्स्ट है इसका महत्व आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व। आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे विभिन्न देवी देवताओं के प्रिय फूल हैं, जैसे गुड़हल का फूल माँ दुर्गा को चढ़ाया जाता है, एमरंथस का फूल, कदम का फूल जो है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, इसीलिए अशोक का जो वृक्ष है वो कामदेन से संबंधित है, तो कचनार के सफ़ेद फूलों का संबंध धन और सभ्या की देवी लक्ष्मी जी से है। इस प्रकार से तथा अमलतास का के कनक उस व्यापार में समृद्धि वर्धन के प्रतीक कहे जाते हैं, यही कारण कि व्यापारियों का यह प्रिय वृक्ष है। ताज़ा फूलों का उपयोग मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों व ग्रह पूजन आदि के कार्यों में किया जाता है हिंदुओं द्वारा, तथा मंदिरों में देव देवताओं को पूजा के लिए फूलों का अर्पण करना एक प्राचीन परंपरा है जो आज तक चली आ रही है। शहरों में फूलों की खेती का अधिकांश भाग पूजा के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। दक्षिण भारत में उगाए जाने वाले अधिकांश फूलों का उपयोग पूजन के लिए किया जाता है। कोलकाता में लगभग 30% फूल पूजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पूजा के लिए आमतौर पर गुलाब, चांदनी, गुलदाउदी, इकजोरा, गार्डनिया, गुड़हल, कनेर, रजनीगंधा और मौसमी फूलों का उपयोग किया जाता है। आप लोग देखिएगा वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर जितना कट फ्लावर का उत्पादन होता है मैक्सिमम हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में होता है। कट फ्लावर आर द जो फ्लावर हुज मेंटेन देयर फ्रेशनेस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन आफ्टर डिटैचिंग फ्रॉम द मदर प्लांट। जब मात पौधे से वो कुछ जंडियों के साथ जैसे गुलाब का फूल तोड़ा जाता है और उसको हम बेस में डाल देते हैं किसी बर्तन में शुगर वगैरह डाल के, तो अपनी ताजगी को काफ़ी देर तक मेंटेन रखता है, तो इसको हम कट फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट महत्व जो ऑर्नामेंटल गार्डनिंग का है वो है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, आर्थिक महत्व। आधुनिक युग में फूल एक आय का स्रोत भी है। मुंबई, चेन्नई और बंगलौर आदि शहरों में 50% से अधिक फूलों का उपयोग गजरा, वेड़ी आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। अब अगर हम विभिन्न इसका उपयोग देखें तो मालाएं सामान्यतया विभिन्न धार्मिक अवसरों, स्वागत कार्यों, पूजन, जन्मदिन, शादी उत्सवों में मालाओं का उपयोग किया जाता है। मालाओं के निर्माण के लिए विशेष रूप से चांदनी, गुलाब, गुलदाउदी, दहलिया, एस्टर, कॉस्मस, प्लूमेरिया, गेंदा आदि का उपयोग किया जाता है। बुके, गुलदस्ते बनाने के लिए मुख्यतः शादी के शुभ अवसर पर मेहमानों के स्वागत के लिए एवं अन्य सामाजिक रीति रिवाज। बुके निर्माण के लिए गुलाब, गुलदाउदी, छोटे फूल, डहलिया, एस्टर, एमारिलिस, फ्लाक्स, साल्विया आदि फूलों का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। गजरा व पुष्प प्रसाधन भारत में मुख्यतः शादी के अवसर पर दूल्हे दुल्हन को सजाने में, महिलाओं द्वारा चोटी सजाने, गजरा व वेणी बनाने में ताज़ा फूलों का उपयोग किया जाता है। इस कार्य में विशेष रूप से गुलाब, हजारा, इकजोरा, मुरैया आदि फूलों का उपयोग किया जाता है शादी के मंडप सजाने में। आप लोग जानते हैं अर्थ, जब शादी का मंडप बनता है तो उसमें जो एक इंट्रेंस गेट पे बनता है उसे हम आर्च कहते हैं। आर्च इज ए सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम इन द इंट्रेंस ऑफ द ग्रेट, ऐसे बनाया जाता है गेट पे, तो इसको हम इंट्रेंस के लिए और इसमें फूल सजाए दी जाते हैं तो इसे हम आर्च कहते हैं। ये शादी के शुभ अवसर पर सभी धर्मों के मानने वाले शादी के मंडपों को सजाने के लिए ताज़ा फूलों का उपयोग करते हैं। इस कार्य के लिए विशेष रूप से गुलदाब, हजारा, चांदनी, चमेली, प्लूमेरिया, गुलदाउदी, गेंदा आदि फूलों का उपयोग होता है। बटन होल सामान्यतः बटन होल का उपयोग मेहमानों का स्वागत, जन्मदिन, शादी आदि अवसरों पर किया जाता है। इसके लिए विशेष रूप से गुलदाउदी, फ्रेंच मेरी गोल्ड, गुलाब, हेलिक्राइसम आदि का उपयोग किया जाता है। कट फ्लावर कटे हुए फूलों का उपयोग स्वागत कक्ष, भोजन कक्ष, गुलदस्ते सजाने के उद्देश्य से किया जाता है। इस कार्य के लिए विशेष रूप से गुलाब, रजनीगंधा, जीनिया, साल्विया, डहलिया, कॉस्मस, गुलदाउदी, बिगोनिया, एस्टर, एमारिलिस, कैंडिडाफ्ट, कार्नेशल, ग्लैडियोलस आदि का उपयोग किया जाता है। सुगंधित तेल
भारत में लगभग 1100 ऐसे पौधे हैं जिनमें से तेल निकाला जाता है, जिसका उपयोग सुगंध और दवाइयों में किया जाता है। गुलाब, चंदन, यूकेलिप्टस, लेमन ग्रास, चमेली, रजनीगंधा, रोजमेरी, कनक चंपा आदि से तेल निकाला जाता है। गुलाब का तेल 1 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। लगभग 2-3 करोड़ रुपए के सुगंधित तेल विदेशों को भेजे जाते हैं, जिससे हमें विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। कन्नौज, जौनपुर, अलीगढ़, जयपुर में गुलाब से तेल बनाने के बड़े बड़े कारखाने। इत्र, सुगंधित तेलों के अलावा बहुत अधिक मात्रा में गुलाब, चंपा, केवड़ा का इत्र भी बनाया जाता है, जिसे बेचकर काफ़ी आय प्राप्त की जाती है। तेल और इत्र के अलावा गुलाब जल, केवड़े का जल, गुलाब का बड़े पैमाने पर गुलकंद बनाया जाता है। भारत में 50,000 गैलन गुलाब जल तैयार किया जाता है, जिसे विदेशों को निर्यात किया जाता है। उपयुक्त चीज़ों के लगभग 20 करोड़ रुपए की आय प्राप्ति होती है और लगभग 2 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। औषधीय महत्व अगर हम देखें आना मिनरल गार्डनिंग का, भारत में औषधीय महत्व के लगभग 200 पौधे पाए जाते हैं। औषधीय पौधों के महत्व को देखकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1972 में औषधीय और सुगंधीय पौधों पर अखिल भारतीय सुधार परियोजना का श्री गणेश हुआ। इस योजना के अंतर्गत परिषद द्वारा 8 मुख्य औषधीय फसलों पर देश के विभिन्न भागों में अनुसंधान चल रहा है। अफीम, ईसबगोल, सर्पगंधा, राउल्फिया सर्पेंटाइना, सनाय, पायरेथ्रम, मुलेटी फ्लास, ग्लोब और सदाबहार। कोलकाता में 1981 में भारतीय वैज्ञानिकों का सम्मेलन हुआ, जिसमें यह सिद्ध किया गया कि सदाबहार पेरीविंकल के पौधे से कैंसर का उपचार करने के लिए और बिन क्रिस्टीन नामक दवाइयाँ प्राप्त की जा सकती हैं। यूँ तो अफीम, ईसबगोल, सनाय, सिनकोना, इपिकाक, सदाबहार जैसे पौधे भी भारत में लाकर उगाए गए थे और अब ये यही बस गए हैं। मुलेटी, ग्लाइसिराइजा, ग्लैब्रा का विशेष रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में प्रसार बढ़ रहा है। 20 से के उगाने पर इसमें फूल मुश्किल से आते हैं, अतः इसके लिए कलम मुहैया की जा रही है। भूमि कटाव को रोकने के लिए फार कंट्रोलिंग सॉयल इरोजन, राजस्थान के रेगनी तीन वन क्षेत्रों में हर श्रृंगार निकटेंथस अरबोल टेट्रिस लगाकर भूमि कटाव को भी रोका जा सकता है। इसकी जड़ें गहरी जाकर मिट्टी के कणों को भली भांति बांध लेती हैं, जिसके कारण भूमि कटाव की रोकथाम हो जाती है। हरसिंगार का पौधा व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लिए भी उपयुक्त है। भूमि कटाव को रोकने पुष्प प्रदर्शनी बड़े बड़े शहरों में आज आयोजित की जाती हैं, जिससे लोगों के अंदर फूल के प्रति प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। तरह तरह से पुष्प प्रदर्शनी सजा करके वहाँ पर पुष्प प्रदर्शनी में भाग लेते हैं। अगर हम वर्तमान स्थिति देखें ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, तो इसका विशेष अच्छा इसकी स्थिति जो है बड़ी दयनीय है भारत में, क्योंकि